And uh, some other changes uh, which have happened, like in Schedule 3, Division 2 format and presentation and disclosure requirements have changed. Uh, I would say there have been a lot of additions there with a few minor changes here and there. Plus, uh, section 135 section relating to corporate social responsibility has changed, and consequently, though that change was there in January 2021, but uske amendments 2022 say incorporate material na, study material.

हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ए क्या क्या चेंजेस इंस्टीट्यूट ने अपने मटेरियल में किए हैं बी उन्हें इंस्टीट्यूट ने कैसे दिखाया है और आप कैसे स्टडी मटेरियल में वो चेंजेस ढूंढ सकते हो सी क्या वो जो तरीका इंस्टीट्यूट ने दिखाया है क्या वो अपने आप में कॉम्प्रिहेंसिव है या उसके अलावा भी कुछ चेंजेस हैं जो इंस्टीट्यूट ने हाईलाइट नहीं किए और अगर ऐसा है तो वो चेंजेस हमें कहाँ से मिलेंगे क्या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में दिए गए नोट से मिल जाएंगे बिल्कुल फाइनली क्या फास्ट की सारी बुकलेट्स ब्रह्मास्त्र ड्रोन चार्ट एंड स्ट्राइकर अपडेट हो चुकी है इन सब चेंजेस के कारण और यू बी सरप्राइज टू नो दैट द आंसर टू दिस इज एब्सोल्युटली यस बिकॉज़ चेंजेस आर नॉट समथिंग जो इंस्टीट्यूट करे तो हमें पता पड़ेगा कि ये चेंजेस हुए हैं ये सब लॉ रिलेटेड रिपोर्टिंग देयर वी इट इन एडवांस एंड टुडे द बुक्स विच वी आर शिपिंग टू योर हैव इनकॉर्पोरेटेड Each and every such change which is there in the study material 2022. Not just that, even the question and answers which have been amended to a large extent have been incorporated. At the end, we'll talk about that. तब से बड़ा सवाल इन सभी के साथ क्या 2021 वाले जो स्टूडेंट्स हैं हमारे उनके लिए इस वीडियो का कोई रेलेवेंस है? I would say that uh, 2021 के जो स्टूडेंट्स हैं इनका अभी दिसंबर में एटेम्प्ट है इस पर्टिकुलर वीडियो में जब हम क्वेश्चन आंसर्स के चेंजेस देखेंगे हो सकता है कुछ लोग आपको ये कहें कि क्वेश्चन आंसर्स के चेंजेस अपने आप में बड़े क्रिटिकल होते हैं हो सकता है कि भले ही ट्वेंटी टू के मटेरियल के लिए पर इसके क्वेश्चंस एग्जाम में आ जाए इस तरह से हो सकता है कि आपको

four modules to financial reporting and every module has a initial page initial pages में अगर आप क्लिक करोगे तो आपको एक significant changes का पेज मिलेगा जिसमें institute ने highlight किया है कि module 1 similarly 2 3 4 में किन-किन chapters में क्या-क्या तरह के changes किए गए हैं तो जैसे यहाँ पे अलग-अलग चैप्टर -अलग के सामने क्या चेंजेस हैं they have been updated और जैसा ये मैंने आपको मॉड्यूल 1 का दिखाया है सेम इंस्टीट्यूट ने इस तरह के चारों मॉड्यूल के सिग्निफिकेंट चेंजेस इस तरह से प्लॉट कर दिया। सवाल ये उठता है कि जो इंस्टीट्यूट ने सिग्निफिकेंट चेंजेस प्लॉट किए हैं क्या इंस्टीट्यूट का ये सिग्निफिकेंट चेंजेस का इंडेक्स अपने आप में कंप्लीट है रिलायबल है क्या प्योरली इसके बेसिस पे चेंजेस को ट्रैक किया जा सकता है एंड वी रिव्यूड एवरी पेज ऑफ द स्टडी मटीरियल हमने मॉड्यूल फोर से शुरुआत करी वही पीछे से अपन पेपर सॉल्व करने वाले बच्चे हैं तो अपन ने बोला चलो ये करते हैं तो मॉड्यूल फोर में हमने देखा कि इन चैप्टर्स के अंतर्गत

तो इन्होंने कहा कि भाई इसके अलावा अगर कोई भी चेंजेस है तो हमने उसे बोल्ड और इटालिक्स में हाईलाइट किया है ताकि आप उसको देख के समझ जाओ कि ये चेंज हुआ है और नए इलस्ट्रेशन जो ऐड किए हैं वो यहां पे दे दिए गए आपको इसलिए उनको बोल्ड और इटालिक्स में नहीं दिया गया इस लॉजिक से देखा जाए तो आपका चैप्टर फिफ्टीन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंतर्गत सिर्फ एक ही चेंज होना चाहिए था वो दो क्वेश्चन ऐड होने का क्योंकि इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर अगर आप देखेंगे तो कहीं पर भी कुछ बोल्ड और इटालिक्स में अलग से दिया नहीं गया हमने जब रिव्यू किया तो हमने जब क्वेश्चन देखे तो वी फाउंड दैट द द वेरी फर्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन इज़ केस स्टडी हैज बीन बिकॉज़ अ फाउंडीन इन द दैट द इंस्टीट्यूट एग्जाम नवंबर ट्वेंटी ट्वेंटी कंपलसरी क्वेश्चन एंड उस कॉन्ट्राडिक्शन को हटाने के लिए इंस्टीट्यूट ने बिना बताए ये तो नहीं कहना चाहिए चुपके से साइलेंटली बट इंस्टीट्यूट ने बिना बताए एक चेंज कर दिया क्या चेंज किया अगर आप स्टडी मटेरियल मटीरियल ट्वेंटी आपको ये क्वेश्चन मिलेगा प्लूटो लिमिटेड के नाम से जिसमें एम्प्लॉय को कंसेशनल इंटरेस्ट रेट पे लोन दिया गया और स्पेसिफिकली कहा गया कि इसके लिए एम्प्लॉय को को कोई स्पेसिफिक परफॉर्मेंस देने की जरूरत नहीं है नवंबर 20 में भी ये क्वेश्चन आया था क्योंकि इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में ये क्वेश्चन पहले से था नवंबर ट्वेंटी में ये क्वेश्चन आया उससे पहले ही इंस्टीट्यूट ये सारे मटेरियल 2021 के पब्लिश कर चुका था अगस्त 2021 में तो वहां पे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के आंसर में इन्होंने कहा था कि एम्प्लॉय को आपने कंसेशनल इंटरेस्ट रेट लोन दिया है तो हम फेयर वैल्यू पे लोन को रिकॉर्ड करेंगे जितना पैसा एस सच हमें ज्यादा मिलना चाहिए था उस लोन के बदले में हम उस डिफरेंस को एम्प्लॉय कॉस्ट मानेंगे और उन्होंने कहा था कि इसको पूरा वन शॉट पी में डाल देंगे फॉर द सिंपल रीजन की एम्प्लॉय को इसके अगेंस्ट में कोई सर्विस नहीं देनी है ये था एस एम का आंसर

लेकिन इस क्वेश्चन के आंसर में जो एम्प्लॉय बेनिफिट की ईयर पे इनिशियल रिकॉग्निशन पे कॉस्ट निकाली उसको लोन पीरियड में डेफर कर दिया ये कह के कि नॉर्मली ऐसा होता है कि एम्प्लॉय को ऐसे लोन देते हैं और वो छोड़ के चले जाता है तो उसे लोन पूरा रीपे करना पड़ेगा यानी इसमें एक इंप्लाइड कंडीशन है कि उसको लोन जब तक जितने सालों का लोन है उतने साल काम तो करना पड़ेगा इसलिए हमने ये कॉस्ट को डेफर कर दिया ये कंपलसरी क्वेश्चन था इफ आई एम नॉट रॉन्ग पारा से पंद्रह मार्ग का यह सवाल था इंस्टीट्यूट ने अपने ही स्टडी मटेरियल में दियो वे, अपने ही आंसर को कॉन्ट्राडिक छह महीने बाद आते हैं तब तक अगर हल्ला करें सवाल पूछे तो भी कोई देखने वाला होता नहीं है शायद इस कारण से पॉसिबली वी डोंट नो इंस्टीट्यूट ने हल्के से क्योंकि वी ये क्या हो रहा है कंपलसरी क्वेश्चन आपका ही आंसर हम मैच कर रहे हैं और वही गलत हो रहा है तो फिर कहां से पढ़े और फाइनली फिर इंस्टीट्यूट ने क्या किया तो देखिए आप ये पूरा स्टडी मटेरियल 2022 का है और इसमें कहीं कोई रेफरेंस नहीं दिया गया है कि केस स्टडी वन चेंज की गई है लेकिन ये केस स्टडी चेंज कर दी गई है और प्लूटो लिमिटेड की वो केस स्टडी जिसका पुराना आंसर था जिसमें एम्प्लॉय बेनिफिट कॉस्ट वन शॉट प्योर में जाती थी को चेंज करके स्टार लिमिटेड का नवंबर 20 वाला क्वेश्चन यहां पर डाल दिया गया है जिसके अंतर्गत इस एम्प्लॉय बेनिफिट कॉस्ट को डेफर करना है डिसंबर 21 और आगे के अटेम्प वाले स्टूडेंट सुन लो ये जो कहानी है ये सब अतीत है पास्ट हिस्ट्री ऑल दैट व्हाट इज गॉन इज गॉन इट्स नो मैर तो अब इसका मतलब ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो आपको डेफर करके खर्चा बुक करना पड़ेगा सेकेंड कुछ चेंजेस इंस्टीट्यूट ने कहा भैया हमने बोल्डर इटालिक्स में दिए है लेकिन जब हमने एक एक पेज को रिव्यू किया तो मोड्यूल फोर में ही हमने देखा कि कुछ कुछ जगह ऐसी है जहां पर बोल्डर इटालिक्स में चीजें नहीं दी गई है लेकिन चेंजेस हुए जैसे वंस अगेन मॉड्यूल फोर में अभी देखा कि में क्या प्रिस्क्राइब किया येबिलिटी में क्वेश्चन ये लेकिन जब हम अंदर एक एक करके रिव्यू करने गए क्योंकि हमको मालूम था कि भाई सीएसआर में कुछ चेंजेस थे जो 2021 के मॉड्यूल में शामिल नहीं थे तो यहाँ पे होना चाहिए थे तो जब हमने स्पेसिफिकली चेंजेस को देखा तो आप देखिए पेज नंबर 17.15 पे एसएम 2021 ट्वेंटी वन बेसिकली कुछ इस तरह के प्रोविजन प्रिस्क्राइब करता था और वहीं पर इन्होंने अब दो पैराग्राफ एड कर दिया अरे सर ये क्या आप इतनी बारीकी में जाके चीजें चेक कर रहे हो आई एम नॉट गिविंग यू बेसिकली बारीकी की चीजें आई एम जस्ट ट्राइंग टू बेसिकली टेल यू की जो गाइडेंस है सिग्निफिकेंट चेंजेस के इंडेक्स में दी गई उस पर किस एक्सटेंट तक रिलाई करना है नहीं करना है ये यहाँ पे इन्होंने दो पैराग्राफ ऐड किया तो सर बोल्ड तो कर दिया बोल्ड तो आपके मटेरियल में बहुत सारी चीजें हैं वो सब न्यूली एडेड नहीं है और ये दो पैराग्राफ का क्या कोई इंपॉर्टेंस है हम डिस्कस करते हैं सीएसआर के अंतर्गत एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस पांच परसेंट ऑफ टोटल सीएसआर एस आर ज्यादा नहीं हो सकते ये प्रोविजन इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में कहीं पे भी नहीं था इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी थे तो ये हम क्लास में ऑब्वियसली डिस्कस करते हैं क्योंकि लॉ का पार्ट ऑफ मॉड्यूल में इनकॉर्पोरेट कर दिया हालांकि उन्होंने इसे हाईलाइट नहीं किया क्यों क्योंकि ये चीज पहले भी शायद होना चाहिए थी और नहीं थी नेवर कर भी देते थे वु मेड अ टू मच ऑफरेंस अनदर एक्साम्पल इसी पर्टिकुलर चैप्टर में कैरी फॉरवर्ड से रिलेटेड जो प्रोविजन थे इंस्टीट्यूट ने इसको अपने मॉड्यूल में अपडेट करके डाल दिया था क्योंकि जनवरी ट्वेंटी वन के अमेडमेंट्स के बाद अब कैरी फॉरवर्ड सी एसआर के एक्सपेंडिचर सब्जेक्ट टू सर्टन कंडीशन किए जा सकते हैं पर उसमें कुछ कंडीशन और एड हो गई तो एस एम ट्वेंटी टू में दे है थैंकफुलर कंडीशन बट दट इज नॉट गिवन इन बोल्ड और

ियल इन टर्म हाउ डैट लुक्स लाइक ये मटीरियल से दोस्तों आई थिंक यू कैन सेफली रिलाई ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग ये सारे चेंजेस स्टडी मटीरियल ट्वेंटी ट्वेंटी टू के अंतर्गत किए ये भी बहुत पहले हम लेकर आ जाते हैं सच क्योंकि चेंजेस आए टाइम हो गया है बट इंस्टीट्यूट ने फाइनली मॉड्यूल जो अपने चारों के चारों मॉड्यूल वो अभी कुछ दिनों पहले ही अपडेट किए तो दे इन केस ऑफ सी फाइनल एफ द मॉड्यूल्स दे वर नॉट इशूइंग इट ऑल वन शॉट अनलाइक वॉट हैपन इन इंटरमीडिएट तो वॉट यू डन इज ऐसे आप देखेंगे तो यहाँ पे दिस इज बेसिकली मॉड्यूल वन और ये मॉड्यूल वन में साफ साफ एकदम क्लियर अक्षरों में आपको समझा दिया

मेजोरिटी स्टूडेंट मॉड्यूल को सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स के लिए रेफर करते हैं कंटेंट के लिए नहीं करते हैं फॉर वैलिड रीजन मे बी बट क्वेश्चन आंसर इज समथिंग डेफिनेटली कुछ एड हुआ है तो हम उस पे फोकस करना चाहेंगे तो दैट इज अ कंपैरिजन ऑन दिस और फिर हमने देखा भैया कहाँ चेंज हुआ है और हमने स्पेसिफिकली आपको इलस्ट्रेशन दे दिए कि भैया क्या चेंज हुआ है तो जैसे इसमें क्वेश्चन नंबर नाइन चेंज हुआ है यहाँ पे पांच नंबर का क्वेश्चन नया आ गया यहाँ पे छः और सात नंबर के आ गए यहाँ दस और ग्यारह नंबर के आ गए और आगे आपको कॉमेंट्री दे दी कि भैया ये ये क्वेश्चन हमने क्या किया है देखा है कि ये सब एड हुआ है यही नहीं वट वी ऑल्सो वी डिड अ रिसर्च फॉर द स्टूडेंट स्टूडेंबर ट्वेंटी वन स्टूडेंट जस्ट टू आइडेंटिफाई कि ये क्वेश्चन क्या नए क्वेश्चन है वाकई या ये आरटीपी एमटीपी के हैं जो स्टूडेंट अदरवाइज कर लेता है तो हमने क्या किया इन क्वेश्चन का सोर्स आइडेंटिफाई किया तो क्वेश्चन नंबर हमने देखा इंस्टीट्यूट के क्लैरफिकेशन बुलेटिन से पिक किया गया और ये क्लैरिफिकेशन बुलेटिन से पिक किया गया क्वेश्चन क्या फास्ट के मटेरियल में है ये तो पिछले तीन सालों से हमारे मटेरियल में है एंड दिस इज ऑलवेज बीन देयर इन आर मटेरियल बिकॉज हम क्लैरिफिकेशन बुलेटिन के भी रिलिवेंट क्वेश्चन अपने स्टूडेंट्स के साथ स्ट्राइकर में अपनी जो क्वेश्चन बैंक है उसमें डिस्कस करते हैं तो ये स्ट्राइकर का पेज नंबर है स्ट्राइकर फोर का और ये क्वेश्चन नंबर है जिसमें यह इनकॉर्पोरेटेड है सेम इसी तरह से अगर आप जाएंगे यू विल सी लेट्स ए फॉर एग्जांपल कैश फ्लो स्टेटमेंट विल फाइंड देर आर टू न्यू क्वेश्चन सिक्स एंड सेवन नंबर एडेड ये टेस्टी और नॉलेज के क्वेश्चन है ऐसा इंस्टीट्यूट भी बोला है ये कहां से आए ये आर ऑफ नवंबर ट्वेंटी और आरटीपी ऑफ डिसंबर ट्वेंटी से आए अगर ये आप दोनों कर चुके हो तो आपको ये क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं है सेम टू सेम वही है क्या ये फाइनल सॉरी <coughs> क्या ये पास की स्ट्राइकर यानी क्वेश्चन बैंक में इनकॉपोरेटेड है जी हम देखेंगे तो क्वेश्चन बैंक में स्ट्राइकर के इस पेज नंबर पर इस नंबर के क्वेश्चन के नाम से ये है स्ट्राइकर 4.0 एडिशन टू के अंतर्गत ऑल दीज बीन इनकार ये तो सारे क्वेश्चन आंसर बेस्ड ज्यादा दिख रहे हैं सर इसके अलावा और कुछ तो अगर आप देखें तो यहाँ पे दरअसल नेक्शर डिविजन टू शेड्यूल थ्री टू तीन ये पूरा अनेक्शियर चेंज हुआ है इसके ऊपर आईसीआई ने कोई कॉमेंट्री नहीं दिया तो हमने यहाँ पे आपको एक कॉमेंट्री दे दी कि भैया इसमें चेंजेस हुए और भम्मा थ्री और इंडेज दोन चार में हमने ये सारे अमेंडमेंट्स इनकॉपोरेट कर दिए

तो ऐसा ब्रीफ में हमने इसको इनकॉर्पोरेट कर दिया ये दे दी इनफैक्ट इसका मतलब है इंस्टिट्यूट के वो जो चार मॉड्यूल के चार पेजेस में सिग्निफिकेंट चेंजेस है वो प्लस इसके अलावा जितने भी हमने चेंजेस आइडेंटिफाई किए वो सारे इन चार पेजेस में आपके साथ इनकॉर्पोरेट करके टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दिए गए प्लस ये जितने नए क्वेश्चन ऐड हुए हैं अगर कोई स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ आईसीआई का मटेरियल रेफर कर रहा है स्टडी मटेरियल और पॉसिबली आरटीपी टीपीपीज नहीं देख रहा है या वो श्योर नहीं है देखी है नहीं देखी है तो जितने नए क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने इलस्ट्रेशन टीवाई वाई के एड किया वो सारे के सारे इस पर्टिकुलर किताब में पीछे यहाँ एडेड तो व्हाट वी हैव डन इज वी हैव क्रिएटेड अ बुक फॉर यू व्हिच इज आईसीआई एसएम 2022 एडिशनल क्वेश्चन जितने नए क्वेश्चन इनकॉर्पोरेटेड हैं या जितने क्वेश्चन के आंसर अपडेट हुए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन हाँ इनकॉर्पोरेट कर दिए तो आप यहाँ से देखना चाहें तो देख सकते हैं नॉट जस्ट दिस आपका रेपुटेशन नहीं हो इसके लिए हमने यहाँ पे रेफरेंस भी दे दिया तो जैसे ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आपका कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क से रिलेटेड था या फ्रेमवर्क फॉर प्रिपरेशन प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिस इज अ कंप्लीटली रिवैम चैप्टर वेलकम टू दैट पर्टिकुलर थिंग इसमें दे दिया ये वाला क्वेश्चन क्लैरिफिकेशन बुलेटिन से आया रेफरेंस दे दिया पर्टिकुलर क्वेश्चन नवंबर 2020 की RTP से आया है तो वो रेफरेंस दे दिया और स्टडी 2022 का है ये बेसिकली हमारी जो स्ट्राइकर <coughs> होती है उसके अंदर भी हम नॉर्मली इस तरह के रेफरेंसेस दे देते हैं तो दिस इज बेसिकली या रेफरेंसिंग आल्सो फॉर अ क्रॉस चेक की भैया ठीक है हम एक बार कर चुके हैं या नहीं कर चुके सेड ऑल दिस अब इसके बेसिस पे

उसके प्रमेरिली आप देखेंगे तो चार कारण है नंबर वन इज फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अब ये क्या कहानी है? सारे के सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बनाए जाते हैं वो बनाते हैं हम एस पर स्टैंडर्ड पर ऐसा हो सकता है कि स्टैंडर्ड कुछ बेसिक टर्म्स को ही कभी डिफाइन ना करे जैसे रेवेन्यू एक्सपेंस इनकम

एक फ्रेमवर्क फॉर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल करी गई थी कि आ, बनाते समय आपको टर्म्स हो, 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 like यूज होती हैं तो क्या होता है रिप्लेसमेंट कॉस्ट सेलिंग प्राइस नेट सेलिंग प्राइस प्रेजेंट वैल्यू इनकम एक्सपेंस और सेट लाइबिलिटी इस तरह की चीजें उसमें दी गई थी वो फ्रेमवर्क बनाया गया था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के जमाने

ये फ्रेमवर्क में प्रमेडली जो मैंने आपको अभी बातें बताई कुछ थियोरेटिकल ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट सम फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस वगैरह टाइप की जो क्वेश्चन में देखे होंगे इस तरह की चीजें यहां पर हैं। ये पूरा फ्रेमवर्क आपका रिवाइज हो गया है क्यों क्योंकि पहले जो था वो प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्रेमवर्क था अब जो है उसे बोलते हैं कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इसलिए आपका यूनिट वन पूरा का पूरा चेंज हो चुका है इसके ऊपर इंस्टीट्यूट ने आज तक कभी सवाल आज सच पूछा नहीं है एग्जाम में क्योंकि ये थ्योराटिकल टॉपिक है तो जो थ्योरी क्वेश्चन एक या दो एग्जाम में आते हैं इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग सी एस आर या इस चार्टर से रिलेटेड तो कभी आया नहीं पर आ सकता है पर अमेंडमेंट आया तो डेफिनेटली डिसंबर या मे ट्वेंटी टू में इसका या नवंबर और मे ट्वेंटी टू में इसका क्वेश्चन पॉसिबली आ सकता है डिसंबर ट्वेंटी वन के लिए कोई रेलिवेंस नहीं तो इसका एक अपन अलग से थ्योरी सेशन आए एक वॉइस नोट इस तरह का कुछ बना के आपके साथ शेयर कर देंगे इंपॉर्टेंट चीज़ों को हाफ करते हुए जिससे आप इसे कवर कर लें नथिंग मोर देन दैट लेकिन ये कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क आने के कारण क्योंकि ये जो डेफिनेशन है सेट लाइबिलिटी टाइप की चीज़ों की चेंज हुई जिसका इंपैक्ट ये हुआ कि जो अलग अलग इंडेस हैं उनके अंतर्गत कुछ कुछ जगह रेफरेंस दिए गए थे जैसे अगर आप इंडेस 37 पे जाएंगे तो वहां पे लाइबिलिटी की डेफिनेशन के साथ रेफरेंस दिया गया है कि द डेफिनेशन ऑफ लाइबिलिटी

सेप्चुअल फ्रेमवर्क सी एफ ऑन एफ आर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग तो मेजोरिटी इंडेस ने इंडेस अमेंडमेंट रूल्स ट्वेंटी ट्वेंटी वन के अंतर्गत अलग अलग इंडेक्स के अंदर अमेंडमेंट के नाम पे एक फुट नोट एड किया जिसमें कहा कि रेफरेंस टू द डेफिनेशन ऑफ लाइबिलिटी विल नॉट बी बेस्ड ऑन द कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड इट विल स्टिल बी रेफर्ड बेस्ड ऑन द ओल्ड फ्रेमवर्क ऑफ पीपीएफएस कुछ स्टैंडर्ड लाइक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में इक्विटी टाइप की जो टर्म्स थी जिनकी डेफिनेशन एस इंडेस के जमाने में काफी अलग अलग है वहां पर डेफिनेटली उन्होंने रेफरेंस में चेंज करके कहा है कि एक्सक्यूज मी डेफिनेशन ऑफ इक्विटी इज टू बी रेफर्ड एज पर दुअल फ्रेमवर्क ऑन फाइनेंशियल रिपोर्ट नन ऑफ दीज मेक्स एनी बिग रेलिवेंट सेंस फॉर यू इनफैक्ट अगर आप इंस्टीट्यूट के स्टडी मटीरियल में सिग्निफिकेंट चेंजेस जो इंस्टीट्यूट ने दिया वहां देखोगे तो आपको एक भी चेंज ऐसा नहीं दिखेगा जिसमें उन्होंने कहा है कि अमेंडमेंट रूल्स 2021 या फ्रेमवर्क इनकॉर्पोरेट होने के कारण इस जगह पर कोई चेंज हुआ है इनफैक्ट वहां पर जहां उन्होंने चेंजेस किए में आप देखिएगा आपको चेंज मिलेगा कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का रेफरेंस भी मिलेगा उसे बोल्ड और इटालिक्स में भी नहीं लिखा उन्होंने पर हमारी एक्सेल शीट में उसको हाईलाइट करके बताया गया है Less, इससे आपको कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट नहीं आता है। तो सर अमेंडमेंट रूल्स 2021 में क्या बस यही हुआ है कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क के रेफरेंसेस का तो आप यह कह सकते हो देर है ऐसे काउंट करोगे तो यू फाइंड ऑफ अमेंडमेंट रूल्स में से कोई एक है नंबर वन अमेंडमेंट इज

जून 2021 तक के कंसेशन या सेम रखे गए हैं और कॉन्ट्रैक्ट चेंज हुआ है तो आप उसे लीज मॉडिफिकेशन जैसे अकाउंट पर ना करें वो डेट जून 2021 की जगह जून 2022 कर दी गई दैट मींस अगर रेंट कंसेशन आपको जून 2022 तक दिया है तो आप प्रैक्टिकल एक्सपीडियंट लगा सकते हो उस मॉडिफिकेशन को मॉडिफिकेशन ऑफ लीज जैसे ना अकाउंट करने का जिसकी अकाउंटिंग वैसी है इज जस्ट दैट डेट 30th जून 2021 की एक्सटेंड करके 30th जून 2022 कर दी गई है द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस वीडियो इज नॉट डेफिनेटली टू कवर दोस पर्टिकुलर अमेंडमेंट हाउएवर द लेटेस्ट बैच ऑफ एफआर विच वी हैव हैज ऑलरेडी दिस अमेंडमेंट इन डिस्कशन इन इट द एफआर पावर बैच द फास्टेस्ट बैच एज़ वेल और तीसरा जो अमेंडमेंट है इसमें

एक इंटरेस्ट रेट बेंचमार्क रिफॉर्म्स हुए जो इंटरनेशनली हर जगह हो रहे हैं नॉर्मली आप बैंक से लोन लेते हो तो नॉर्मली लोन आजकल वेरिएबल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उसके ऊपर एक स्प्रेड होता है दो परसेंट तीन परसेंट एक, एक परसेंट तो कई सारी कंपनीज ने ये जो उनका बेस रेट था ये लिबॉर बेस्ड था लंडन इंटरबैंक ओवरसीज रेट पर क्योंकि अब ब्रेक्सिट वगैरह हो जाने के कारण लंडन यानी कि एस सच ब्रिटेन का इन्वॉल्वमेंट और इन्फ्लुएंस ग्लोबल मार्केट फाइनेंशियल मार्केट में कम हो रहा है दैट इज वाई कई सारी कंपनीज बैंक से निगोशिएट कर रही है कि हमारा बेस रेट आप लेबॉर की बजाय कोई और कर दो तो ऐसा करने से दो जगह इम्पैक्ट आएगा एक जितने भी आपके लीजेज हैं वहां पर आपके अगर लीज फाइनेंस लीज नेचर की लीजेज में आपका बेस रेट वेरिएबल है बेंच मार्क रेट पर बेस्ड है वो चेंज हो रहा है

Benchmark rate in the contract, it will not be accounted for as a modification of lease or financial liability. Those amendments have been incorporated in India, India's also in Indian accounting standards, also through India's amendment rules 2021 notified on 18 June 2021. However, the ICI study material at no place has given any reference to such amendment. च मीन्स देव पॉसिबली मिज इट और इट मीनस दैट इट इज टू टेक्निकल फॉर स्टूडेंट्स एंड दट इज वाई देव काफ़ एक्सक्लूडेड इट हालांकि इस अमेंडमेंट का नेट इफेक्ट यही होगा कि इसके कारण चेंज हुआ है तो आप उसे मॉडिफिकेशन जैसी अकाउंटिंग ना दे और मॉडिफिकेशन की अकाउंटिंग क्या होती थी हम देखते थे लाइबिलिटी में क्या सब्सटैंशियल मॉडिफिकेशन है तो फिर हम डी रिकॉग्शन ऑफ ओल्ड लाइबिलिटी और रिकॉगनीशन ऑफ न्यू मानते थे अदरवाइज फिर हम इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट चेंज कर देते थे तो यहाँ पे वो अदरवाइज वाला ट्रीटमेंट लगेगा लीज में जैसे कोविड नाइनटीन के कंसेशन के कारण आपके मॉडिफिकेशन आप के थ्रू अकाउंट फॉर्म नहीं कर रहे हो अगर कंडीशन मीट हो रही है इंटरेस्ट रेट वेंचमार्क रेट चेंज होने के कारण जो मॉडिफिकेशन हुए उसको भी आप उसी तरह से ट्रीट करोगे अगेन दी ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस वीडियो इज नॉट टू एक्सप्लेन यू ऑल अमेंडमेंट्स बट टू काइंड ऑफ मेक यू कंफर्टेबल विद वॉट चेंजेस

फास्ट के स्टडी मटेरियल में इनकॉर्पोरेट किए जा चुके हैं ऑल ऑफ दिस इनफैक्ट वो मैं आपको आखिरी में बता दूंगा इंस्टीट्यूट ने डिवीजन टू ऑफ शेड्यूल थ्री के कारण अलग अलग चैप्टर्स में जो चेंजेस हुए उन चेंजेस को इंस्टीट्यूट ने किसी भी चैप्टर में चेंज नहीं किया सिर्फ जो एक मॉड्यूल वन में अनेक्शर है शेड्यूल थ्री डिवीजन टू उसमें उन्होंने पूरे चेंजेस इनकॉर्पोरेट करके जो नया डिविजन टू आया है उसके पूरे प्रोविजन वहां पे एज दे दी। पर उसका कॉन्सिक्वेंशियल इंपैक्ट जैसे कि सिक्योरिटी डिपॉजिट पहले कहीं आता था आपका कहीं आएगा या लीज लाइबिलिटी पहले बोरिंग्स के अंदर आती थी अब अलग से सबलाइन आइटम लिखेंगी उसका इफेक्ट रिस्पेक्टिव चैप्टर्स में कहीं बात नहीं करिए सिर्फ एक अनेक्शन जो शेड्यूल थ्री डिविजन टू का है उसको पूरा अमेंड करके अब इसी बात है कि अब आपको ये अमेंडमेंट या ये चेंजेस देखना पड़ेंगे और कोई प्रेजेंटेशन इन्वॉल्व करता है कोई क्वेश्चन का आंसर तो उसमें आपको इसका ख्याल रखना पड़ेगा तो ये एक जगह जहां थोड़े सिग्निफिकेंट चेंजेस हुए हैं और इसके अलावा सी एस आर के कुछ चेंजेस हैं जो जनवरी ट्वेंटी वन में हो चुके थे ऑल द बैचे ऑलरेडी काइंड ऑफ इनकॉर्पोरेटेड इट इज इंस्टीट्यूट अपडेटेड अपडेड मॉड्यूल एडिड कपल ऑफ क्वेश्चन न्यू क्वेश्चन ऑन दम विच आर वेरी वेरी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी विल बी एबल टू डू इट काइंड ऑफ वेरी इजिली ऑन योर ओन इफ यू रीड टू दो पर्टिकुलर क्वेश्चन इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग का फ्रेमवर्क चेंज हो गया है मैंने एक्सेल शीट में उसमें एक लिंक दी है उसको क्लिक करके आप उसके क्वेश्चन आंसर जरूर से देख लेना क्यों क्योंकि वहां से ही इंस्टीट्यूट ने पास्ट में कभी क्वेश्चन पूछे हैं जबकि वो स्टडी मटेरियल में नहीं है तो दैट कुड बी अ यूज़फुल लिंक फॉर यू फॉर गेटिंग दो पर्टिकुलर क्वेश्चन तो इसमें बेसिकली फ्रेमवर्क क्यों चेंज हुआ है तो ये इवॉल्व हो रही है हर साल तो इसका इंटरनेशनल फ्रेमवर्क 2018 में चेंज हुआ था इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग का उसका कॉन्सिक्वेंशियल चेंज हमने अभी यहाँ पर इनकॉर्पोरेट किया 2018 एंड 2020 में इंटरनेशनली चेंज हुआ था इंडिया में अभी हमने स्टडी मटेरियल में इसे अभी इनकॉर्पोरेट किया और नए क्वेश्चन जो एड हुए उन सबका मैंने आपको डिस्कशन कर दिया इसके साथ दिस विल गिव यू अ क्लियर फ्लेवर इन टर्म्स ऑफ ऑल चेंजेस है नाउ लेट मी क्विकली शो यू द फास्ट मटीरियल रिलेटिंग टू दिस एंड हाउ वी हैव इनकॉर्पोरेटेड दोज चेंजेस तो सबसे पहले अगर अपन आते हैं एंड इफ टॉक अबाउट द फर्स्ट मटेरियल तो ब्रह्मास 3.1 में सारे चेंजेस इनकॉर्पोरेटेड जस्ट टू शो यू ब्रह्मास थ्री पॉइंट इन दिस पर्टिकुलर केस जहां पर भी अमेंडमेंट्स हुए हैं छोटा -like सा भी अमेंडमेंट है कि जैसे लीज लाइबिलिटी को अब अलग सबलाइन आइटम दिखाना है तो वो दिखा दिया है फाइनेंशियल लाइबिलिटीज़ में बोरिंग्स अब किस तरह से प्रेजेंट होंगी तो चेंजेस हो गए तो दे आर बीन इनकारपोरेटेड ह्योर लाइक दिस तो ऐसे सारे चेंजेस आपके यहाँ पर बताएगा स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस ने इक्विटी आव फॉर्मेट में थोड़ा सा चेंज है तो अपडेट ट्वेंटी ट्वेंटी टू करके ये चेंजेस दिए और अभी यही किताबें शिप हो रही हैं स्टूडेंट्स को ये फॉर्मेट जो आया है इसमें कोई मेजर डिफ्रेंस नहीं है ऐसा नहीं है अपसाइड डाउन हो गया हल्के से थोड़ी सी एडिंग्स और उनमें थोड़ा सा प्रजेंटेशन में फ़र्क है बट देन चेंजेज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होते हैं तो इसलिए कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क से रिलेटेड भी जो चेंजेस हैं वो भी इनकॉर्पोरेटेड है ये जो फुट नोट स्टडी मटीरियल में एड हुए हैं ये सब पहले से हमारे ब्रह्मास्त्र में इनकॉर्पोरेटेड है पहले से जो दे रहे हैं उसमें इनकॉपोरेटे है। तो ऑल दीजेंपोरेटेड सो जस्ट टू गिव यूक फ्लेवर ऑफ दोन चार्ट एज वेल ये तो ब्रह्मास्त्र हो गई पीपल नो दैट वीर मटीरियल एक्सप्लेनिटरी मटीरियलियल रिपोर्टिंग यहां पर भी हमने क्या किया है जहां पर भी रिस्पेक्टिव चेंजेस इनकॉर्पोरेट करने थे कर दिए

सिमिलरली रेट बेंचमार्क रिफॉर्म्स के कारण जो चेंज हुए हैं वो भी यहाँ पे फुटनोट में मैंने सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए दिए हैं ऐसे भी इसका स्टूडेंट रेलिवेंस कम है इसलिए शायद इंस्टीट्यूट ने भी इनकॉर्पोरेट नहीं किया तो उसके लिए आपको अलग से कोई क्वेश्चन आंसर्स करने की जरूरत नहीं है सी एस आर के जितने भी चेंजेस हैं उसका नया मटीरियल अपडेटेड है यहाँ पर दे दिया गया सेम स्ट्राइकर की अगर मैं बात करूँ तो आई डोंट थिंक आई नीड टू डिस्प्ले द स्ट्राइकर थिंक यूर टू यू बिकॉज इन दीज पर्टिकुलर फोर पेजेस आई हेव ऑलरेडी गिवन कि स्ट्राइकर के कौन से पेजेस में ये सारे पर्टिकुलर क्वेश्चंस इनकॉर्पोरेटेड हैं। यानी दोस्तों अपन ये कह सकते हैं कि अब जो अपना आज का है ये मे 2022 के लिए एब्सोल्युटली रेलेवेंट है फिर कोई अमेंडमेंट्स और इंस्टीट्यूट ने इनकॉर्पोरेट किए नवंबर 22 के स्टूडेंट्स के लिए तो उसको अलग से डिस्कस करना पड़ेगा अदरवाइज आर ऑल डन वॉट वी हैव टू एडिशनली पॉसिबली डू इज जस्ट बेसिकली अब जो आपका अभी रिसेंट में जो एम टी पी आई है डिसंबर ट्वेंटी वन अटैम्प्ट के उसके क्वेश्चन का एक डिस्कशन आपके साथ शेयर करना है और अब जो डिसंबर अटैम्प्ट होगा उसके जो क्वेश्चन आंसर्स आएंगे और आगे की जो आर टीपीज होंगी इतना हम कवर करेंगे बाकी अदरवाइज अब हमारी सारी बैच एप्सोटली अपडेटेड नॉट जस्ट द बैच इवन द मटीरियल अपडेटेड एंड इट इज ऑल एब्सोलूटली रेलिवेंट फॉर ट्वेंटी ट्वेंटी टू सो आई होप दिस कांड अ फेयर आइडिया एंड नाउ दोज बटरफ्लाईज इन योर स्टमक इन टर्म्स ऑफ कितना चेंज हुआ है कहाँ चेंज हुआ है क्या क्या बदल गया है एंड समबडी कमिंग अप एंड सेईंग की बहुत सो नया मटीरियल आ चुका है अब आपको सब कुछ नया पढ़ना पड़ेगा बहुत चीजें चेंज हो गई है शेड्यूल थ्री में भारी भरकम चेंज हो गए तो आप समझ जाइए कि कोई अपनी नई बैचेस के जस्टिफिकेशन में इस तरह के कमेंट्स पॉसिबली दे रहा है नॉट टू कम विध न्यू बैच और नॉट कम बिकॉज आई विल नॉट लिंक दीज टू थिंग्स टूगेदर बट एब्सोल्यूटली दिस इज सेइंग यू फॉर श्योर दैट द चेंटिकुलर मटीरियल हंड्रेड परसेंट ऑफ दो चेंजेस वी है इन दिस पर्टिकुलर पी डी एफ विच इज अवेलेबल एट फास्ट डॉट ईडी डाउनलोड सेक्शन चलिए थैंक यू वेरी मच वील है इंटर एडवांस अकाउंट एंड ऑडिट एज वेल